वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आज बनाते हैं गुड़ और तिल से बने स्वादिष्ट और गर्मी प्रदान करने वाले तिल और गुड़ के लड्डू। मकर संक्रांति वाले स्पेशल सॉफ्ट वाले तिल गुड़ के लड्डू। तो इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक पैन, और पैन में डाल दिए हैं मैंने एक कटोरी के करीब तिल, और तिल को मीडियम आंच पे भून लेना है। इन तिलों को सिर्फ 3 या 4 मिनट तक भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं हमें इसे सेकना है। तो जैसे ही ये थोड़े से सेक जाते हैं हम इनको निकाल लेंगे। वैसे तो तिलों को हमेशा यूज़ में लेते रहना चाहिए, लेकिन खासकर सर्दियों में ज़्यादातर काम में लेने वाले ये तिल लड्डू के रूप में या किसी और तरह से बना के खाने चाहिए। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे गुड़, और जितने मैंने तिल लिए हैं उससे थोड़ा ही कम गुड़ लिया है। अब इस तरह से मैंने इन सब तिलों को डाल दिया है मिक्सी के जार में। सभी को डाल देने के बाद सिर्फ 3 से 4 चम्मच मैंने बचा लिए हैं, और इन सभी को थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेना है। थोड़ा सा ही मिक्सी को चलाना है, ज़्यादा नहीं, और ये थोड़ी सी देर में 1 या 2 बार में अच्छे से दरदरे पीस जाएंगे। इस तरह से जब हो जाते हैं तो इनके अंदर डाल देते हैं गुड़। गुड़ को 2 बार करके मैंने डाला है, पहले आधे डाले हैं फिर उसके बाद रखें। बस इस तरह से पीस लेते हैं इसे भी। गुड़ भी अच्छी तरह से तिल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से ये मिक्स होने लगेगा तो बचा हुआ गुड़ भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब थोड़ा सा मिक्सी को चलाने के बाद देखेंगे कि गुड़ अच्छी तरह से मिल चुका है। जब ये मिल जाए, गुड़ अच्छी तरह से पिस चुका है, तो इस तरह से जमने लगेगा। तो इसके अंदर डाल दिया है मैंने घी या बटर, मेल्ट किया हुआ आप डाल सकते हैं, 2 चम्मच या 3 चम्मच के करीब डाल देना है। मिक्सी को फिर चलाते हुए इन सबको मिक्स कर लेना है। बस इस तरह से ये मिश्रण तैयार होने वाला है। आप चाहें तो इसके अंदर इलायची के दाने और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ सिंपल वाले लड्डू तैयार करने जा रही हूँ। देखने पे ये जमने जैसा हो चुका है, तो हम अब इसे निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी वाले और बहुत जल्दी तैयार होने वाले लड्डू। इनको निकालने के बाद इसके ऊपर और डाला है मेल्ट किया हुआ घी या बटर डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद हम तैयार करेंगे इनके लड्डू। इस तरह के यम्मी वाले तिल गुड़ के लड्डू जो देते हैं शरीर को गर्मी, और इस तरह से बना के हम स्टोर करके रख सकते हैं। प्लेन और बहुत ही टेस्टी वाले सिर्फ गुड़ और तिल के लड्डू। इस तरह से जब बन जाएं तो इनको इस तरह से मैंने जो तिल बचा के रखे थे उसके अंदर लपेट लेना है। इस तरह से मार्केट से भी बहुत ही अच्छे वाले लड्डू घर पे तैयार करें। बहुत ही सॉफ्ट वाले और बहुत ही टेस्टी वाले लड्डू तैयार होने वाले हैं। बस इस तरह से सभी लड्डू को तैयार कर लेने हैं। बिना ज़्यादा मेहनत किए इतने टेस्टी वाले लड्डू तैयार कर लेंगे। मकर संक्रांति हो या सर्दियों में इस तरह से लड्डू ज़रूर खाएं। बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करें। एकदम सॉफ्ट वाले लड्डू। Thanks for watching.